हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एसएफिया। भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें अगर देखा जाए तो हर लोग अपनी जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट जी रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। जैसे देर रात तक जगना, कुछ की तो मजबूरी है, कुछ जानबूझ के रात में जगते हैं। जैसे अगर देखा जाए जो प्रोफेशनल हैं उनमें क्या होता है, वो रात में शिफ्ट वाइज जैसे काम होता है, डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट जैसे कर रहे हैं। जो नाइट शिफ्ट करते हैं उनको बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जो नाइट शिफ्ट हम काम करते हैं या नाइट में देर नाइट हम जाग रहे हैं या देर नाइट में मतलब लेट नाइट हम काम कर रहे हैं, तो उसके क्या सारे जो है बॉडी को जो है हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, उससे हम कैसे बचें, या जो हम कर रहे हैं उससे हमारे बॉडी में क्या क्या जो है बीमारियां हो सकती हैं। जी दोस्तों, आज मैं इन सब के बारे में बात करूंगा कि जैसे हम लेट नाइट जैसे काम कर रहे हैं उसमें हम क्या ऐसा करें कि जो उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं उनको जो है हद तक रोक दिया जाए। जी दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर दोस्तों, जो ये सोने और जागने का हमारे बॉडी के अंदर चलता है, ये हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। इससे एक जो है हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। यस दोस्तों, मेलाटोनिन ये स्रावित होता है या सिक्रेट होता है ये ब्रेन के पार्ट से। ब्रेन का जो मिड ब्रेन लाइन है उसमें उसके पीछे पाया जाता है ये पीनियल ग्लैंड, वहाँ से सिक्रेट होता है। ये क्या है? जी दोस्तों, अगर पीनियल ग्लैंड को देखा जाए, पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं कि इससे जो हार्मोन सिक्रेट होता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन को बोलते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस। जी दोस्तों, डार्कनेस जितना ज़्यादा होगा ये मेलाटोनिन का सिक्रेशन उतना ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो जो सर्केडियन रिदम है, सर्केडियन रिदम मीन्स कि जो डे और नाइट का है कि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग कि हम कब जागें कब सोएं, जो प्रॉपर नींद का है कि 7 से 9 घंटे लेना ही चाहिए, वो मेंटेन रखता है यही हार्मोन, इसीलिए इसको हार्मोन ऑफ डार्कनेस बोलते हैं। जी दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके सिक्रेशन से और हमारे लाइफ स्टाइल से क्या कोरिलेशन है। जी दोस्तों, अब हम लेट नाइट जब जगते हैं तो होता क्या है कि ये एक्चुअल डार्क में ही बनता है, तो हम जब लेट नाइट काम करते हैं तो डार्क मिल नहीं पाता, अंधेरा मिल नहीं पाता, तो उसका सिक्रेशन धीरे 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 कम हो जाता है। जब कम होता है तो हमारे मेंटल इलनेस होने लगता है। मेंटल इलनेस में बहुत सारे जैसे मेमोरी लॉस होने लगती है, और देखा गया है कि अगर मेमोरी लॉस होगी तो बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज धीरे 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 स्लो डाउन हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे और डाउन पड़ जाएंगे। ठीक है। जी दोस्तों, अगर एज बढ़ रही है, एज बढ़ने के साथ साथ इसका सिक्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, और इसका अब देखते हैं कि इसका सिक्रेशन एंड कोरिलेशन क्या है जो नाइट का या अंधेरे का। जी दोस्तों, इसका सिक्रेशन ज़्यादा तब होता है जब अंधेरा ज़्यादा होता है। अब हम लेट नाइट काम कर रहे हैं तो होगा क्या कि हम लेट नाइट में जागेंगे तो इसका सिक्रेशन कम होगा, उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स। अब बताता हूँ प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी। फर्स्ट नंबर में बताया था मैंने कि मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। मेंटल प्रॉब्लम्स में पहला नंबर नींद ना आना। नींद ना आने से पूरी आपके शरीर जो है थकी थकी से रहेगी, आप जो है कोई भी काम एनर्जी भरपूर होकर के काम नहीं कर पाएंगे। सेकेंड नंबर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, वो पूरी रूप धीरे 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 पूरा बिगड़ जाएगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। और थर्ड नंबर में मैं बात करना चाहूँगा कि जो कैंसर सेल्स हैं ये डेवलप होने लगती हैं। कैसे डेवलप होती हैं ये मैं बताता हूँ। जी दोस्तों, जो बॉडी के अंदर डीएनए होता है, डीएनए एक्चुअल प्रोटीन है। जी दोस्तों, अब प्रोटीन की जो इनकोडिंग है, प्रोटीन की इनकोडिंग एमिनो एसिड से होती है। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, वो जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिल करके प्रोटीन्स बनाते हैं। अब प्रोटीन बनने के लिए ज़रूरी है उनका इनकोडिंग होना, तो होता क्या है प्रॉपर सिक्रेशन मेलाटोनिन का न होने से धीरे 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 क्या होती है, जो सेल्स रिपेयर होती हैं या जो प्रोटीन के द्वारा रिपेयर होता है वो प्रॉपर तरीके से रिपेयर नहीं होता। जो कभी वीक हो गई हैं, ब्रेक हो गई हैं सेल्स, वो टूट ही जाती हैं, तो उनका प्रॉपर रिपेयर नहीं होता। रिपेयर न होने से वो प्रोटीन नहीं बन पाता, और प्रोटीन नहीं बन पाता तो धीरे 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 जो कैंसर सेल्स हैं वो डेवलप होने लगती हैं। जी, देखा गया है कि जैसे जैसे जो नाइट वर्कर्स हैं या नाइट में काम करते हैं
उनमें क्या गया, जैसे लेडीजों में उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं इन कंपेरिजन जो डे में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सो नहीं पा रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए जो जेंट्स वर्कर हैं, मेल वर्कर, उनमें क्या है, उनमें जो है प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो। और दोस्तों हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उनमें धीरे धीरे मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ता है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आर्टरी में कहीं ना कहीं जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होने से क्या होता है, ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता। प्रॉपर सर्कुलेशन ना होने से आपका हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड नंबर में बात करें तो जब आपके ब्रेन को प्रॉपर जो है रेस्ट नहीं मिलेगा तो होगा क्या कि आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, तो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं अगर आप लेट नाइट जग रहे हैं। जी दोस्तों, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों क्रियाएं होती हैं, यानी किसी चीज़ का बॉडी में बनना और उसका ब्रेकडाउन होना, ये दोनों आते हैं मेटाबॉलिज्म में। अब दोस्तों जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स वो कभी कभी क्या बॉडी में जो बनते हैं और बहुत सारे जो ऐसे टॉक्सिक मटेरियल हों वो ब्रेकडाउन होकर के यूरिन या किसी न किसी माध्यम से एक्सक्रीट होते हैं, वो क्या होता है मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से ये प्रॉपर क्रियाएं नहीं हो पाती। तो क्या होता है, बॉडी में जो है जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, फ्री रेडिकल्स रिमूव नहीं हो पाते, इसलिए बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और क्या होगा दोस्तों, पहले बताया था कि ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी होने से क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो हम खाते हैं रात में क्या है कि हम उतना एक्टिविटी नहीं कर पाते, हम जगते तो बेशक रहते हैं एक्टिविटी नहीं कर पाते, उससे क्या मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने से क्या होता है, जो डायबिटीज़ के चांसेस है वो बढ़ जाता है और आपका जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कैसे बढ़ती है, क्योंकि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बॉडी का है या इसके इंटेस्टाइन का है वो नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, तो आपका डाइजेशन होता नहीं, उसकी वजह से लीवर खराब हो जाता है। लीवर खराब और पूरा एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पूरा डैमेज हो जाता है। ये तो सब सारी प्रॉब्लम हो गई। अब इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, ओवरकम कैसे किया जाए, तो अगर आप नाइट लेट नाइट काम कर रहे हैं या पूरी नाइट काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है, आप सोते हैं आएंगे डे में सोएंगे बिल्कुल। आप सबसे फर्स्ट नंबर जिस रूम में आप आ रहे हैं सोने वहाँ पे पूरा डार्क रखें, उस रूम को एकदम जितना डार्क हो सके उतना डार्क रखें, अंधेरा जी। और अपने आसपास ऐसे जगह पे रहें जहाँ पे बिल्कुल शोरगुल ना हो रहा हो, और सोने से पहले आप प्रयास ये करें कि कैफीन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें ना लें और ना तो अल्कोहल लें, और अपने अगर मोबाइल है मोबाइल को साइलेंट मोड में रख दें, म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल बंद कर दें, और याद एक चीज़ और रखें कि खाना आप जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्रॉपर तरीके से खाएं। अगर नाइट में हैं तो आप ऐसी चीज़ें खाएं जो इजीली डाइजेस्टेबल हैं, और जब डे में आ रहे हैं आप तो ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। जी दोस्तों, अब क्योंकि दोस्तों नाइट में अगर करेंगे एक चीज़ और प्रॉब्लम आती है, मैंने वो उसमें छोड़ दिया था, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्योंकि आप धूप मिल नहीं पाएगी, धूप मिलेगी नहीं तो आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। डी की डेफिशिएंसी होने से क्या होता है, बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी। और उसके साथ साथ दोस्तों जो इसका नाइट लेट नाइट जगने का है, ये कहीं ना कहीं आपके जो है जो मैरिटल लाइफ है उसमें भी कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि इसमें क्या है बहुत सारी जो सेल्स हैं बॉडी की ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से आपका जो प्रॉपर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये सारे चालू हो जाते हैं। तो नाइट्स में इन सब से बचने के लिए आपको ये बहुत सारे तरीके हैं जो अपनाने चाहिए। सबसे पहले आपको एंटीऑक्सीडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, इससे क्या होगा अगर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं या जो टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में है वो बार बार फिल्टर होकर के यूरिन की मदद से बाहर निकल जाए। नए
दोस्तों आप सोचेंगे नैप क्या है, नैप मीन्स झपकी होता है। कुछ लोग देखते हैं डे में झपकी, डे की झपकी ठीक नहीं है। नाइट में अगर झपकी आप लगाते हैं, नैप करते हैं, नैपिंग करते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है? अगर आप 20 मिनट तक झपकी लगाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। उससे ज़्यादा अगर आप डीप स्लीप में जाते हैं मोर देन 45, वो आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उसके बाद अगर आप जगते हैं तो बॉडी आपकी जो है फुली रिलैक्स मोड में चले जाती है। फिर आपको जगाने के लिए पूरी बॉडी का जो है पूरा सिस्टम चेंज होता है, तो आपको कहीं कहीं बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोस्तों अब मैं लास्ट में बात करना चाहूँगा किसको कितना सोना चाहिए, जिसका जो है ऑप्टिमम दिया गया है कितना सोना ही चाहिए। न्यूली बॉर्न बेबी को 12 से 15 घंटे सोना चाहिए। इन्फेंट्स जो हैं, इन्फेंट्स को 12 से 15 घंटे और प्री स्कूल वालों को 10 से 13 घंटे सोना चाहिए और स्कूल एज जो चिल्ड्रेन हैं उनको जो है 9 से 11 घंटे दोस्तों, और एडल्ट जो हैं उनको 7 से 9 घंटे, ओल्डर एडल्ट जो हैं उनको 7 से 9 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। जी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।